अकेले सरकार को घेर रहा था वो विपक्ष अब एकजुट हो गया है। एक ही दिन में माया से लेकर प्रियंका तक ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने की कोशिश की। अभी तक बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि घोटाला बीजेपी सरकार के पहले हुआ था और इसीलिए अखिलेश यादव खुद मीडिया के सामने आए और एक के बाद एक गंभीर सवाल उठाकर सरकार से घोटाले पर जवाब मांगा। अखिलेश के सवालों का जवाब सरकार की तरफ से भी दिया गया। सरकार ने एकदम साफ कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बिजली घोटाले में दो गिरफ्तारियों के अलावा अभी और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ भविष्य निधि को संकट में देखकर बिजली कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए और आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। आज हुकूमत में बात अयोध्या की भी होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा है। अयोध्या में फैसला आने वाला है, इसलिए राम भक्तों में इस बार जोश भी काफी बढ़ चुका है। हुकूमत में बताएंगे कि अयोध्या के अमन चैन पर क्या कोई बुरी नजर भी है, रामनगरी की रंगत आखिर कौन छीनना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हुकूमत। तो बिजली विभाग में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में अभी तक सिर्फ दो गिरफ्तारियों के अलावा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। घोटाले का पर्दाफाश कब होगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन घोटाले पर सियासी घमासान यूपी में तेज हो चुका है और एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अखिलेश ने 2600 करोड़ के घोटाले में सिटिंग जज से जांच की मांग की है, तो सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। दूसरी तरफ जिन बिजली कर्मियों की भविष्य निधि डूबी है वो अभी तक शांत थे, लेकिन अब वो भी खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग में हुए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। सपा बसपा और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। घोटाले का खुलासा होने के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हंगामा और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बसपा ने ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछा, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली विभाग में हुए घोटाले पर गंभीर सवाल खड़े किए, क्योंकि बिजली विभाग में घोटालों की पटकथा साल 2017 से लिखनी शुरू हुई थी, इसलिए बीजेपी पूर्व की सपा सरकार पर हमलावर हो रही थी, जिसका जवाब देने के लिए खुद अखिलेश यादव सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक सिलसिलेवार कई सवाल दाग दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि एफआईआर में सब कुछ स्पष्ट है कि किस दिन भुगतान हुआ है। सपा सरकार में बिजली विभाग के कर्मचारियों का पैसा डीएचएफएल कंपनी में निवेश नहीं किया गया और अगर गंभीरता से जांच होगी तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिजली विभाग में हुए घोटाले की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग भी की है, जिससे सच का पता चल सके। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पाक साफ है, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जांच के बाद घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि दो साल से ज्यादा ये सरकार काम कर चुकी है, उस विभाग में 2.5 साल से सरकार है। इसके लिए अगर दोषी कोई है तो सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इतने बड़े 2600 करोड़ रुपए के निवेश का छोटे कर्मचारी फैसला ले सकते हैं? ये फैसला तो निश्चित सरकार के संज्ञान में हुआ है और सरकार के देखरेख में हुआ है, और उस समय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा थे। हम पहले दिन से मांग करें, कांग्रेस पार्टी मांग करे कि ऊर्जा मंत्री की बर्खास्तगी हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सीएमडी और एमडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, केवल चीफ इंजीनियर पर मुकदमा दर्ज करके केवल छोटी कार्रवाई करके इस घटना को दबाया नहीं जा सकता। बचेगा कोई नहीं, कोई भी क्यों ना हो, जिसने भी अधिकारी कर्मचारियों के पैसे को लूटा है बचेगा नहीं, सलाखों के पीछे जाएगा।
ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है भ्रष्टाचार पर। अखिलेश के आरोपों का जवाब सिर्फ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ही नहीं दिया बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक के बाद एक 5 ट्वीट करके बिजली विभाग घोटाले पर पूर्व सरकार पर हमला बोला गया। ट्वीट में लिखा गया कि बिजली कर्मियों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, भ्रष्टाचार के चूल्हे में मेहनत की लकड़ी नहीं जलेगी, बिजली कर्मचारियों को ठगने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और लिखा कि जीरो टॉलरेंस की तलवार से भ्रष्टाचारी त्राहिमाम कर रहे हैं। सीएम ने अखिलेश के साथ यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी से करीबी पर भी सवाल उठाए। दो सरकारों के बीच हुए इस पीएफ घोटाले की जद में कई रसूखदार आ गए हैं, लेकिन जब पिछली सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के दामन पर दाग लगा तो बिना देरी लगाए उन्होंने इसकी सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर डाली। वैसे आरोप तो मौजूदा सरकार पर भी हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा ये दस्तावेजों की जांच से तय हो जाएगा। अब जांच सीबीआई करे या कोई सिटिंग जज, एक बार उन कर्मचारियों से भी पूछिए जिनके भविष्य निधि की कमाई वर्तमान घोटाले की जद में है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। डीएचएफएल में बिजली विभाग में 2600 करोड़ रुपए के निवेश पर अभी तक सिर्फ राजनीतिक दलों में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन बिजली विभाग में अब तक के सबसे बड़े घोटाले से जो 45,000 कर्मचारी प्रभावित हुए वो भी अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। अब भविष्य निधि संकट में पड़ गई है और इसलिए बिजली विभाग के कर्मचारी भी बेचैन हैं। जिस पैसे को भविष्य में मुश्किल समय के लिए सुरक्षित रखा था उसे अधिकारियों ने एक डिफॉल्टर कंपनी यानी कि डीएचएफएल में लगा दिया, इसलिए कर्मचारी भी अब इंसाफ के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। सरकार इस चीज की जिम्मेदारी ले, जो भी पैसा हमारा लगा हुआ है पावर सेक्टर एम्प्लॉइज ट्रस्ट में, एक गजट नोटिफिकेशन करके सरकार यह हमें आश्वासन दे दे कि उसके भुगतान की गारंटी सरकार लेती है। कर्मचारियों का, विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों का जीपीएफ में और सीपीएफ में लगभग 2600 करोड़ रुपए जमा था। ये हमारे खून पसीने की कमाई है और इसी से हमारे सपने पलते हैं, इसी से हमारे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर, मकान सब इसी से होता है, यही हमारी बचत का एक जरिया है। बिजली विभाग में हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में अब दो बड़े अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले में मुख्यमंत्री की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई, लेकिन घोटालों पर घमासान फिलहाल रुकने वाला नहीं। जिन कर्मचारियों की भविष्य निधि फंसी है उन्हें अपना पैसा डूबने की चिंता सता रही है। सरकार की तरफ से भले ही आश्वासन दिया जा रहा हो लेकिन जब तक कर्मचारियों को उनका पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो शांत नहीं होने वाले। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कर्मचारियों का 2600 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर कंपनी में कैसे निवेश कर दिया गया? क्या अफसरों को सब कुछ पता था? क्या जानबूझकर सब मौन रहे? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। इधर कई सालों से चले आ रहे देश के सबसे बड़े मुद्दे अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने वाला है, पर कुछ असामाजिक तत्वों को शायद ये बात हजम नहीं हो रही। कुछ लोग अयोध्या में गलत अफवाह फैला रहे हैं जिससे माहौल बिगड़े और शांति भंग हो। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों तक लगातार सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर दिन बुधवार को मामले पर आखिरी सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच ने की। सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जिससे पहले अयोध्या मामले पर फैसले की संभावना है। मामले में फैसले को लेकर अयोध्या सहित पूरे देश के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसले से पहले ही केंद्र सहित राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरी रामनगरी को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। शरणार्थी तत्व अयोध्या के अमन में खलल ना डाल सकें इसके लिए अयोध्या में कई बटालियन को पहले ही तैनात कर दिया गया है।
अयोध्या के संभावित फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, जिस पर प्रशासन काफी सख्त हो चुका है। अयोध्या पर फैसला किसी के भी पक्ष में आए, लेकिन इससे कानून व्यवस्था खराब न होने पाए, इसको लेकर पूरी एहतियात बरती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर लोकल स्तर तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। अयोध्या फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर अयोध्या के डीएम अनुज कुमार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर अगर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री फैलाई जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाले संदेशों को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। माहौल खराब करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आने वाले दिनों में जिले के सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, समय पर खुलेंगे। स्कूलों में पुलिस फोर्स के रुकने में भी जिले की शिक्षा व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जिले में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सेवा भी पूरी तरह से बहाल रहेगी। डीएम ने गलत अफवाह फैलाने वालों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की। सुरक्षा के सभी इंतजामों को सुनिश्चित कर लिया है। मंडी समिति के सचिव और खाद्य विभाग के अधिकारियों से जरूरत के सामान की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा बस ये कहना है कि ऐसी कोई पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड सोशल मीडिया पर ना करें, जिससे कि किसी देवी देवता को, किसी महापुरुष को, किसी कैट दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो या उनका अपमान किया जाए या कोई भावना बढ़के। तो इस पे जो है मनाही हम लोगों ने धारा 144 का ऑर्डर 31 अक्टूबर का जारी किया है, उसमें हमने किया है और बाकी जो है सब एक्टिविटी सामान्य रूप से चल रही है। सियासत के रूट से होती हुई कोर्ट के कटघरे तक पहुंचने वाली यह अयोध्या का केस अब अपने फैसले के कगार पर खड़ा है, जिस पर दोनों पक्षों में से कोई रुकावट नहीं चाहता। फैसले के मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ की संपत्तियों पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले स्थानों जैसे इमामबाड़ा, मस्जिद, दरगाह, कार्यालय, कब्रिस्तान, मजार जैसी जगहों पर अयोध्या मामले को लेकर किसी तरह का भाषण या धरना प्रदर्शन के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने आदेश की कॉपी मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी है। दूसरी तरफ हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी संभावित फैसले पर रणनीति बनाई जा रही है। हर तरफ से कोशिश हो रही है कि फैसला कुछ भी आए लेकिन सौहार्द बना रहना चाहिए। हर किसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर झुकाकर मानना चाहिए। इसी में देश और लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अयोध्या में प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पूरे अयोध्या में धारा 144 लगाई गई है और अगले 28 दिसंबर तक सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रैलियों के साथ साथ सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया के कंटेंट पर नजर बनाई गई है, साथ ही साथ अनाज के जमाखोरों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अयोध्या में अमन और चैन बना रहे ये बेहद जरूरी है और अयोध्या जिला प्रशासन के लिए एक कड़ा इम्तिहान भी है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। इधर अयोध्या में जब कुछ ही दिनों में फैसला आने वाला है तो शरारती तत्व सक्रिय हो गए हैं। देश के अमन चैन में खलल डालने के लिए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। अयोध्या समेत यूपी के कई बड़े शहरों में सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। दिल्ली से अलर्ट जारी हुआ है कि नेपाल के रास्ते आधा दर्जन से ज्यादा खूंखार आतंकवादी यूपी में आकर माहौल खराब कर सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे देश को इंतजार है। यूपी में योगी सरकार ने राम मंदिर पर फैसले को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसे देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई किसी प्रकार की हलचल तेज न कर सके। किसी भी तरह की स्थिति हो, प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। पूरी अयोध्या नगरी को केंद्र और यूपी की सरकार ने छावनी में तब्दील कर रखा है। प्रदेश की जनता के साथ आतंकियों ने भी मंदिर पर फैसले से पहले अपने मंसूबे तैयार कर रखे हैं, जिसको लेकर दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे यूपी सहित अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया है।
सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि राम मंदिर पर फैसले से पहले 7 आतंकी नेपाल बॉर्डर के रास्ते यूपी में घुस चुके हैं। इन 7 आतंकियों में 3 आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। सभी आतंकियों के गोरखपुर या अयोध्या के किसी पास के जिले में छिपे होने की आशंका लगाई जा रही है। फैसले से पहले ये आतंकी अयोध्या में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश में 7 आतंकी प्रवेश किए हैं। ये सभी आतंकी नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए हैं, ऐसी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये सभी आतंकी देश के बड़े शहरों में बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इन आतंकियों पर सुरक्षा एजेंसी कब तक अपना शिकंजा कसती है। उत्तर प्रदेश में आतंकी हमले का अलर्ट पहले भी जारी किया जा चुका है। कमलेश तिवारी हत्याकांड के बाद खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को भारत नेपाल सीमा से आतंकी घुसपैठ का इनपुट दिया था। यूपी पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद भारत नेपाल सीमा पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। साथ ही भारत की ओर से नेपाल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अलर्ट जारी होते ही प्रदेश के जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब जब अयोध्या पर कुछ ही दिनों में फैसला आने वाला है तो आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकन्ना हैं कि आतंकियों की एक भी नहीं चल पाएगी। शहर में खुफिया एजेंसियों से लेकर पुलिस जवान सतर्क हैं। विभिन्न तैयारियां हम लोग की चल रही हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जोन और सेक्टर्स बांटे हैं कि आवश्यकता अनुसार शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए यदि आवश्यकता होगी तो कहां पुलिस पार्टी होगी, कैसे मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉय होंगे। इसके अलावा शांति समिति की बहुत सारी बैठकें भी हम लोग कर रहे हैं। उन बैठकों में धार्मिक गुरु जो हैं उनको भी हम लोगों ने शामिल किया है। सभी के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और साथ ही हमने पुलिस मित्र बनाए हैं जो हमारे जनता के व्यक्ति हैं जो पुलिस के साथ सहयोग करके पुलिस के पिकेट में ड्यूटी में गश्त में साथ देंगे। तो ऐसे पुलिस मित्र भी हमने बनाए हैं। आतंकी अपने मंसूबे को किसी भी तरह से कामयाब होना चाहते हैं, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर लोकल लोगों की आतंकी मदद लेते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी अयोध्या में इतनी ज्यादा सक्रिय हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अयोध्या का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सोशल मीडिया से लेकर हर चहलकदमी पर बारीक नजर रखी जा रही है। कहीं पर भी परिंदा पर ना मार सके, इसके लिए खुद अयोध्या के डीएम ने कमान संभाल रखी है। कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन, वॉल पेंटिंग नहीं करे और नहीं कराए। कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, लाइक, शेयर नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न है। तो इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद राम मंदिर पर आने वाले फैसले से पहले इस तरह की आतंकी घुसपैठ से माहौल को खराब करने की कोशिश हो सकती है। अयोध्या के रहने वालों की माने तो रामनगरी में हमेशा रौनक रहती है। अयोध्या में बाहरी लोगों की तरफ से माहौल खराब होता है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है। फैसले के पहले जिस तरह से यूपी में आतंकियों के घुसने को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, उससे शहर में सुरक्षा चौकस कर दी गई है। आतंकी किसी अप्रिय वारदात को अंजाम न दे पाए, इसको लेकर रामनगरी में पहरा कड़ा कर दिया गया है। अयोध्या में अमन और चैन कायम रहे, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। इधर अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा भी शुरू हो चुकी है, कार्तिक मेला भी शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे। राम भक्त हर साल बड़ी संख्या में कार्तिक महीने में अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन इस बार राम भक्त कुछ खास मुराद लेकर अयोध्या आए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है, इसीलिए राम भक्तों को देश की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी उम्मीद है। भक्तों में उत्साह भी है और जोश भी है। राम भक्तों को लग रहा है कि वो मन में जो मुराद लेकर आए हैं वो अब जरूर पूरी होगी। धर्मनगरी अयोध्या में वैसे तो हर साल कार्तिक मेले में भक्तों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इस बार अयोध्या के संभावित फैसले को लेकर भक्तों में गजब का जोश है। अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और किसी भी दिन फैसला आ सकता है, इसलिए राम भक्त इस बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं। जय 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 जय
अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है और भक्त बड़े उत्साह से कदमताल करते हुए परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। जिस गति और उत्साह के साथ राम भक्त परिक्रमा कर रहे हैं उससे लगता है इस बार की बात ही कुछ और है। भगवान राम की जयकार करते हुए आगे बढ़ते राम भक्तों को इस बार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की उम्मीद है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला आने वाला है, इसीलिए इस बार राम भक्त कार्तिक मेले में नए जोश के साथ आए हैं। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों आस्था सभा पर है। 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ आज से कार्तिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो कि नंगे पांव भगवान राम की नगरी की 14 कोस की परिधि की परिक्रमा कर रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है जय श्री राम के नारे से गूंज रही है। श्रद्धालु आस्था में सराबोर मस्त मदमस्त होकर परिक्रमा कर रहे हैं और श्रद्धालु पूरी तरीके से आपको दिख रहे हैं कि राम भक्ति में लीन है। इसके पीछे अगर मान्यता की बात की जाए तो मान्यता ये है कि आज के दिन यानी 14 कोस की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं और इसी मान्यता को लेकर ये लाखों श्रद्धालु जो जय श्री राम के उद्घोष करते हुए नारे लगाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, इनकी अगर माने तो इनका ये विश्वास है कि ये परिक्रमा करने से इनके जो पाप होंगे जाने अनजाने में वो सारे धुल जाएंगे। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, ये जो है मेले पे पूरी निगरानी रख रहे हैं। मेले की सुरक्षा के लिए जगह जगह जो फोर्स तैनात की गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सेक्टर और जोन में बांटकर पूरी मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि जिस तरीके से श्रद्धालु आस्था में सराबोर होके पग पग नंगे पांव चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से प्रशासन ने भी कमर कस रखी है किसी भी तरीके से अनहोनी से निपटने के लिए। इस देश में आस्था और धर्म से जुड़ी भक्तों की भीड़ का सैलाब आप कई राज्यों में देखेंगे, पर उत्तर प्रदेश में स्थित रामनगरी अयोध्या की छवि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। साधु संतों और भक्तों से घिरी इस नगरी में विवाद के भी काफी बड़े किस्से रहे हैं, पर जब बात धर्म की हो तो अयोध्या नगरी में भक्तों की भीड़ से ही अंदाजा लग जाता है कि भगवान राम के प्रति देश कितनी अपार आस्था रखता है। अयोध्या नगरी में मंगलवार की सुबह से भक्तों का सैलाब देखने को मिला। मंगलवार सुबह से ही 14 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू हो गई, जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने परिक्रमा में हिस्सा लिया। 14 कोसी परिक्रमा के साथ आज कार्तिक पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये लगभग सप्ताह भर चलने वाला मेला शुरू हो चुका है। अगर सरयू घाट की बात करें तो देखिए किस तरीके से दूर तक लाखों श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सरयू पूजन और सरयू स्नान करने से जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इसी मान्यता को लेकर लोग सरयू घाट पे बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं, सरयू किनारे पूजन कर रहे हैं और आज ही इस 14 कोसी परिक्रमा के बाद से पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान होता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये जो पूरा पर्व है ये एक हफ्ते का त्यौहार है। इसमें तरह तरह के आयोजन होते हैं, लोग पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा करते हैं। इस दौरान लोगों का मानना है कि 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा करने से जो जन्म जन्मांतर या जाने अनजाने में पाप हुए रहते हैं उन पापों से मुक्ति मिलती है और इसी मान्यता को लेकर लोग आज यहाँ सारी बड़ी संख्या में सरयू स्नान कर रहे हैं और 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। 11 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और अगर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो इससे बड़ी कोई और खुशी राम भक्तों के लिए नहीं हो सकती। कार्तिक मेले में पहुंचे भक्तों में इस बार गजब का उत्साह है। राम भक्तों को पूरी उम्मीद है कि वो मन में जो मुराद लेकर आए हैं वो पूरी होगी और अगली बार जब वो अयोध्या आएंगे तो भव्य राम मंदिर के दर्शन होंगे। इस बार का दर्शन खास है क्योंकि इस बार जो है फैसला आना है और 100% श्योर है कि फैसला पक्ष में ही आएगा। यही मनोकामना है हमारे पूरे हिंदू समाज की और वो अपने महलों में आए और अपने महलों में निवास करें। भगवान से भी मांगते हैं कि अब हम आपको टेंट से निकाल के हम चाहते हैं कि आप भगवान रामचंद्र जी जो है उनके मंदिर में दर्शन किया जाए। मनोकामना तो यही है कि इस बार हम लोग आए हैं और ये क्योंकि क्लियर है कि अगली बार मंदिर वाला जिस प्रकरण से मतलब जहाँ तक मेरी सोच है और खास करके इसीलिए इस पत्थरों को हम घूम घूम के देख भी रहे हैं कि जब हम दोबारा परिक्रमा करने आएंगे तो यहाँ रामलला का भव्य मंदिर होगा।
अयोध्या की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। फैसला कब आएगा और किसके पक्ष में आएगा, इसको लेकर हर किसी के मन में कौतूहल है। लेकिन फैसले को लेकर जितनी जिज्ञासा राम भक्तों के मन में है, उतनी शायद किसी के मन में नहीं। जो राम भक्त हर बार कार्तिक मेले में आते हैं, उनकी बस यही इच्छा है कि अगली बार जब वो आएंगे तो अयोध्या का नज़ारा बदला हुआ दिखाई देगा। वो मन में जो मुराद लेकर आए हैं वो पूरी हो जाएगी। यहाँ आने वाले राम भक्तों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है हम आए हैं अगर यहाँ दर्शन करने तो रामलला को टेंट में देख रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार 14 कोसी परिक्रमा में आएंगे तो हम उनको भव्य मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। कैमरामैन दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, भारत समाचार, अयोध्या। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों?